बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन जय उजाला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और एक खैरियत से। आज है खूबसूरत सा दिन, तो दिन का आगाज़ करते हैं और ब्लॉग को देखिएगा एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनाब सबसे पहले कर लीजिए जी। तो आज जो है वो इंशाल्लाह ताला है मेरी कुरान क्लास, और मैंने जो है वो मैं पिछले हफ्ते जब कुरान क्लास पर गई थी तो लास्ट टाइम ही मैंने ऐसे डिसाइड किया था कि अभी कमिंग कुरान क्लास में मैं जो है वो कुछ बना के लेके जाऊंगी, क्योंकि उसमें ये है कि कोई ना कुछ बना के आता है या फिर हमारी जो टीचर हैं वो कुछ बनाती हैं। जस्ट ये कि आफ्टर कुरान क्लास हम हल्की फुल्की सी रिफ़्रेशमेंट करते हैं सब मिलके, तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था। तो अभी यह है कि मैंने मिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि आप कुछ ना बनाइएगा तो फिर मैं बना के लाऊंगी, बिकॉज मेरा दिल कर रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं चना चाट और मैक्रोनी बना रही हूँ। तो चने मैंने रात में भिगो के रख लिया, अब सबसे पहले इनको बॉईल करते हैं। इनकी मैंने आधी प्रिपरेशन रात में कर ली थी। मैं रायते वाले चने बना रही हूँ, उसका रायता मैंने प्रिपेयर कर लिया था, कटिंग वगैरह मैंने करवा के तो रख ली हुई थी। तो सबसे पहले चने जो है वह मैं बॉयल कर लेती हूँ। अच्छा जी, इन द मीन वाइल अब ये है कि जब तक चने बॉयल हो जाते हैं तो मैं यहाँ पर कुछ इस्त्री कर लेती हूँ कपड़े, क्योंकि वॉशिंग डे तो हो चुका था, अब आयरन डे है। ठीक है जी, तो यहाँ पर कपड़े जो है वो इस्त्री हो रहे हैं और साथ में मेड भी आ चुकी है तो वो भी कर रही है सफाई। तो दो काम जो है वो साथ हो रहे हैं, यानी कि सफाई भी हो रही है और इस्त्री भी हो रही है, बल्कि तीन काम हो रहे हैं और नीचे किचन में भी काम हो रहा है। सो यह बस इसी तरीके से है, और बस फटाफट अब यह है कि अल्लाह करे कुछ कपड़े इस्त्री हो ही जाएँ, कुछ काम हो ही जाए मेरा, क्योंकि इस्त्री कम्प्लीट हो जाती है तो मैं कहती हूँ कि बहुत सारा काम जो है वो हो जाता है। अच्छा जी, मेड जो है वो सफाई करके चली गई। इन द मीनवाइल मेरे चने भी बॉयल हो गए, जिसको मैंने ड्रेन करके ठंडा भी कर दिया है ऑलमोस्ट, और ये कटिंग वगैरह मैंने करवा के रखी थी। रायता मैंने बना के रखा था चाट के लिए, अब मैं इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मेरी दोनों चीज़ें गर्मा गर्म तो नहीं खाई जाती हैं, ऑब्वियसली नॉर्मल ही खाई जाती हैं, बल्कि चाट तो ठंडी खाई जाती है। इसलिए मैंने कहा मैं इसको टाइमली बना के जो है वो रख लेती हूँ, लास्ट मोमेंट पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने मैक्रोनीज भी बॉईल कर लिए हैं और अब मैंने इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। अभी जब तक चिकन जो है वो थोड़ा सा रेडी होता है तो मैं इसको ढक देती हूँ, और आपको एक मज़े की मैं बात बताती हूँ। आलू भी मैंने बॉईल करके रख लिए हुए थे, तो अब मैं इसको छील लेती हूँ और चाट में डालने के लिए। चाट में बस मैंने प्याज, टमाटर और ये आलू डालने हैं, बाकी तो हरा धनिया, हरी मिर्ची ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने रायते में ये सारी चीज़ें इंक्लूड की हैं। ठीक है, मज़े की बात मैं आपको ये बताने लगी थी कि जो मैक्रोनी मैं जब भी बनाती हूँ, इस तरह की कोई भी चीज़ बनाती हूँ, जैसे मैक्रोनी हो गया, स्पैगेटीज हो गए, चाइनीज़ हो गया, या आलू की कोई भी चीज़ हो गई, तो मुझे ना जो मेरी जेठानी की बेटी है ना वो बहुत याद आती है, बिकॉज एक्चुअली ना माशाल्लाह वो बड़ी हो गई है, तो हम लोगों का ना वो चाची भतीजी वाला ऐसे कोई सीन नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स ना। तो मैं जब हैदराबाद में होती हूँ ना, तो अच्छा, शी लव्स मैक्रोनी, मतलब उसको रोज़ तीन टाइम भी मैक्रोनी दे दो ना तो वो बहुत खुशी से खा लेगी। हालांकि उसकी अम्मा उसको बहुत डांटती है कि भाई मैक्रोनी खा खा के जो है ना वो मैक्रोनी बन जाऊँगी, बस कर दो, लेकिन वो बच्ची है ना, बस वो अब उसको ना एक्चुअली शौक है बहुत ज़्यादा, उसकी अम्मा से ज़्यादा उसको शौक है कुकिंग का, तो वो यूट्यूब से रेसिपीज देखती रहती है और बनाती रहती है। मतलब आप लोगों की सोच है, वो इतने मज़े की मैक्रोनीज बनाती है, और मुझे उसके हाथ के ना सिंगापुरियन राइस बहुत पसंद है, वो बहुत टेस्टी बनाती है सिंगापुरियन राइस ना, उसने यूट्यूब से ही रेसिपी देखी थी, लेकिन उसके हाथ में बड़ा टेस्ट है। वैसे आपस की बात है, उसकी माँ से ज़्यादा उसके हाथ में टेस्ट है, तो उसकी अम्मी को ना इतना ज़्यादा आता नहीं है, मतलब मेरी जेठानी है ना फुल देसी टाइप, तो वो बस देसी जो आता है ना बस वही बनाती है, न्यू रेसिपीज़ पे वो चैलेंजेस नहीं करती, जैसे मैं करती हूँ ना, जैसे चेंज करती रहती हूँ चीज़ों को, वो नहीं करती, उसको कोई शौक नहीं है। खैर, तो अभी भी मैं जब मैक्रोनी बना रही हूँ तो मुझे वो याद आ गई, और मैं जितना टाइम भी हैदराबाद में होती हूँ ना तो मैं उससे फरमाइशें कर रही होती हूँ, हालांकि मैं उसकी चाची हूँ, लेकिन मैं कभी कभी उससे फरमाइशें कर रही होती हूँ कि मुझे जो है ना आलू के फ्राइज़ बना दो, या आलू बना दो, या फिर मुझे जो है वो इस तरह की कोई चीज़ बनाती भी है ना तो मुझे ज़रूर देती है। तो अभी मैं जब मैक्रोनी बना रही थी ना तो मुझे फिर वो एकदम से याद आ गई, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूं कि बड़ी प्यारी सी बच्ची है, अल्लाह उसकी नेक नसीब करे, आमीन। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, बस अल्लाह पाक हर बच्ची की नेक नसीब करे, क्योंकि माँ बाप के घर में तो बहुत प्यार से और लाडों से पलती हैं बच्चियाँ, और फिर जो है वो नसीब कहाँ ले जाता है इंसान को पता नहीं होता,
तो बस हर किसी के लिए, और इवन सिर्फ ना कि बेटियां बल्कि बेटों के लिए भी बहुत दुआ किया करें कि अल्लाह पाक बेटों के भी बहुत नसीब करें, अच्छे नसीब करें, कि उनके जो मतलब उनके साथ जो आती हैं, उनके पीछे जो आती हैं लड़कियां, वो भी जो है वो रिश्ता यू नो निभा सकें। एनी हाउ, आलू यहाँ पर कट गए हैं और बस चाट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। चिकन भी बस डन हो जाता है, तो फिर मैक्रोनी चिकन टिक्का मसाला डालूंगी उसके अंदर मैं, चिकन मैक्रोनी में, एंड यस चीज़ भी डालेंगे ताकि मज़ेदार से बन जाए। जी तो यहाँ पर मज़ेदार से क्रीमी चीज़ी मैक्रोनी जो है वो रेडी हो गए हैं, एंड लेट्स टेस्ट। गर्मा गर्म है, बिस्मिल्लाह। ओह माय गॉड, इट्स टू हॉट। ओह माय गॉड, यम। और यहाँ पर चाट भी रेडी है, और इसको भी मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लूँगी। परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हिसाब से तो सही बनी है, अल्लाह करे अब बाकी सबको भी पसंद आ जाए। इंशाल्लाह ज़रूर आएगी, इंशाल्लाह। उसको मैं बंद करती हूँ। लुक एट माय ब्यूटीफुल बॉक्स। ओके जी, तो ऑल सेट, आई एम रेडी टू गो, बोथ बाउल्स आर रेडी। खाने में जी गर्मा गर्म मज़ेदार चने की दाल जो है वो यहाँ पर रेडी है, बहुत डिलीशियस लग रही है। और अब हो रहा है टाइम चलने का, तो चलिए फिर कुरान क्लास की तरफ निकलते हैं। वेल, काफ़ी धूप है, और अगर कि ये ब्रिज आप लोगों को याद हो, हैदराबाद जाने से पहले मैं आप लोगों को दिखाती थी, तब बिल्कुल नया नया कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ था, और अब भी कुछ ये सूरत हाल है। स्टिल बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन फिर भी आई मस्ट से कि 3 मंथ्स में इन लोगों ने माशाल्लाह इतना कर लिया, तो बहुत अच्छी बात है। वैसे वो वाला रास्ता तो इतना वियर्ड हुआ हुआ है ना, मतलब रोज़ कोई ना कोई जगह बंद कर देते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। इतना मैं गोल 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 घूम घूम के ना आखिर मैं फिर अपना रास्ता चेंज कर लिया, बिकॉज़ मेरा टाइम था वेस्ट हो रहा, और खुला हुआ कुछ भी नहीं था वहाँ से। तौबा है, जब तक कोई वाली बात है ना कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती और पूरा बन के सेट नहीं हो जाता, तब तक जो है ना इस रास्ते पर ना ही चला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस अब ये है कि मैं जा रही हूँ कुरान क्लास पे, ठीक है जी, और यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करूँगी। होप यू लाइक इट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, और खुश रहने दीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है, एंड यस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।